लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, आपका लाइव दोपहर के इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूनम, आपके साथ चली करती खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिनों के सफर पर गुरुवार को झारग्राम के बेल पहाड़ी पहुँचेंगी। जिले के बेल पहाड़ी में एक प्रशासनिक जनसभा को संबोधित करने के बाद 16 फरवरी को झारग्राम में प्रशासनिक बैठक करेंगी, जिसकी तैयारियां प्राय पूरी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री बेल पहाड़ी SC हाई स्कूल के मैदान में एक प्रशासनिक जनसभा को संबोधित करेंगी। मालदा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शराबियों का विरोध करने पर एक वृद्धा के घर को आग के हवाले कर दिया गया। किसी तरह पड़ोसियों द्वारा वृद्धा को बचा लिया गया, लेकिन इस घटना में वृद्धा के घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। मालदा जिले में शराब पीने वालों का विरोध करने पर एक वृद्धा के घर को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना से वृद्धा काफी आतंकित है। ये घटना इनायतपुर अंचल के बांगवा टोला गाँव की है। स्थानीय सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय नुरजेदा बेवैया के घर के सामने कुछ लोग मिलकर शराब पी रहे थे। जब नुरजेदा ने इसका विरोध किया तो शराबी वहां से चले तो गए, लेकिन आधी रात को उन्होंने नुरजेदा के घर में आग लगा दी। किसी तरह पड़ोसियों ने मिलकर नुरजेदा को घर से बाहर निकाला व आग पर काबू पाया। ऐसे देख लगे रात 12 नुरजेदा बीबीर बाड़ी टूटा उड़े छे, ग्रामीण लोग सहयोगिता करे छे, एवं देख लगे दो बाड़ी उड़े गे छे और এবং ওর হচ্ছে দুঃস্থ গরিব পরিবার, বিধবা মহিলা, ওর সঙ্গে একটা বৌমা থাকে, ছোট ছোট বাচ্চাগুলো আছে, তারাও অসুখে বিসুখে ভুগছে। কিছু টাকা পয়সা দানা যত খাদ্য থেকে ছিল, জামা কাপড় সমস্তটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এলাকাবাসীয় কা কহনা হ্যায় কি পুলিশ প্রশাসন সে কই বার উন্হোনে শরাবিও কে খিলাফ শিকায়ত দর্জ করওয়াই হ্যায়, লেকিন আব তক পুলিশ নে উনকে খিলাফ কোই ভি কার্যবাহি নাহি কি, জিসকে ফলস্বরূপ ইন শরাবিও কা মনোবল অর জ্যাদা বড় গয়া অর ইসকা নতিজা ইয়ে হুয়া। বাড়িতে ঘুমিয়েছিলাম, রাত 12 মানে আগুন লাগলো, গ্রামের লোকজন এসে মানে আগুনটা নেভালো, নেভাবার পরে সব জলে সব সাফ উঠে গেছে। ওর বাড়িতে সব যে জিনিসপত্র সব ছিল, কাপড় দানা পানি টাকা পয়সা সব জলে সাফ হয়ে গেছে। मालदा जिले में एक सनसनीखेज वारदात हुई। तालाब के अंदर शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की हालत इतनी बिगड़ी हुई है कि पुलिस भी इसका अंदाजा नहीं लगा पा रही है कि शव किसी आदमी का है या किसी औरत का। मालदा जिले में एक सनसनीखेज वारदात हुई। तालाब के अंदर से एक व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को मालचमपल्ली इलाके के छात्रा बिल के कचुरी पाना के एक तालाब में काम करते वक्त स्थानीय लोगों ने एक शव को देखा, जिसके बाद उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची व शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि शव को देखकर पता ही नहीं चल पा रहा था ये शव किसी व्यक्ति का है या किसी महिला का। অনুমান কি করা হচ্ছে? মেয়ে হবে, কেন যে ওরকম তো মেয়ের মতোই ধরন লাগছে। এর আগে একটা হয়েছিল, ওটা তো ছেলে ছিল, কানে হেডফোন টোন ছিল, জ্যাকেট ছিল, বোঝা যাচ্ছিল এটা মানে মেয়েই হবে। वही स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर रोज इलाके में शराब और जुए के ठेके चलाए जा रहे हैं। संभव है कि शायद किसी व्यक्ति को मार कर फेंक दिया गया है या तो किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ করে শুনলাম যে বিলের মধ্যে একটা বডি পাওয়া গেছে। এর আগেও একটা বডি পাওয়া গেছিল বেশ কিছুদিন আগে, 1-2 বছর আগে হয়তো। তো এখানে শোনা যায় মাঝে মাঝে একটু জুয়া টুয়ার খেলা হয় এখানে। হ্যাঁ, তো এবার জুয়ার সঙ্গে মদটা তো চলে, যেটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এবার এসে দেখলাম এখন এই বডিটা পড়ে আছে এইভাবে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলে কো নির্মল জেলা ঘোষিত করনে মে কুছ হি দিন শেষ রহ গয়ে হ্যায়। ফির ভি দক্ষিণ দিনাজপুর কে কই জগহো মে শৌচালয় কা নির্মাণ আব তক নাহি হো পায়া হ্যায়, जिसको लेकर गाँव वासियों ने विरोध जताया है। दक्षिण दिनाजपुर जिले को निर्मल जिला घोषित करने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। दक्षिण दिनाजपुर जिला प्रशासन द्वारा खुले में शौच करने को लेकर जमकर विरोध किया जा रहा है। बालूरघाट ब्लॉक के अमृत खंड के डुमुर ग्राम के रहने वाले सभी गाँव वासी शौचालय बनवाने की मांग कर रहे हैं। गाँव वासियों का आरोप है कि पैसे देने के बावजूद भी अब तक शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है। वे प्रशासन के हर सदस्य के पास शौचालय को बनवाने की अर्जी लेकर गए, लेकिन किसी ने भी अब तक शौचालय बनवाने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। वही प्रशासन का कहना है कि 99% शौचालय बनवाने का काम हो गया है, लेकिन वास्तव में सच्चाई कुछ और ही है। जब संवाददाताओं ने सच्चाई का पता लगाया तो
पता चला कि कुमारगंज, बालूरघाट सहित अन्य 8 ब्लॉकों में अब तक शौचालय नहीं बनवाया गया है। गांववासी का आरोप है कि साल 2016 में हरे गांववासी से 900 रुपए पंचायत द्वारा लिया गया था, लेकिन अब तक शौचालय नहीं बना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। ताजा और अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए लाइव कोलकाता। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।